हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। करेंगे रोमांस, विलन बनेगा कौन? ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। बॉलीवुड ने हमेशा बदलते हुए वक्त से ये बहुत अच्छे से समझा है कि अभी कौन सा ट्रेंड वर्क कर सकता है और किस तरह की मूवीज लोगों को पसंद आएगी, और इस फॉर्मूला को डिकोड करने के बाद मेकर्स इस बात से श्योर हो सकते हैं कि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या और कितना जा सकता है। आज हम ऐसे ही एक मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका सबसे पहला पार्ट यानी जो कि 2005 में आया था, और इस मूवी के बारे में आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द हमें मूवी का फोर्थ सीक्वल देखने को मिलने वाला है। क्रिश एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसमें फिक्शनल बातें होने के साथ साथ साइंटिफिक फैक्टर्स भी दिखाया गया था, और बच्चों के मन में हमेशा से ही साइंस फिक्शन मूवीज ने एक अलग तरह की छाप छोड़ी है। और क्रिश तो बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बनाई ही गई थी जिसमें ह्यूमन जीनोम मिसमैचिंग दिखाया गया था। क्रिश के दूसरे पार्ट में कंगना एक लिजार्ड बनी हुई थी और जिस तरह से वो अपना फॉर्म चेंज करते हुए दिखाई गई थी VFX की मदद से, वो भी देखने में बहुत ही शानदार था। क्रिश बहुत सारी बातों के कारण एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज एस्टैब्लिश हो चुकी है। क्रिश 4 से भी काफी उम्मीदें हैं फैंस को कि इस बार भी क्रिश में मेन लीड निभाने वाले ऋतिक रोशन कुछ कमाल करके दिखाएंगे और अपने फैंस का दिल जीत ही लेंगे। क्रिश और कोई मिल गया ऋतिक के होम प्रोडक्शन की ही मूवी है, तो ये भी कहा जा सकता है कि इसलिए भी ऋतिक इस मूवी के लिए दिलो जान से सब परफेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे। क्रिश 4 में जैसा कि हमें ये तो पता ही है कि क्रिश हमारे रोशन खानदान के चिराग यानी ऋतिक ही बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब बात आती है विलेन की, तो पिछली मूवी में विवेक ओब्रॉय ने अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी है कि इस बार भी फैंस उन्हें ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी में। क्रिश 4 में एक और बात जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर सकती है और वो ये है कि मूवी में क्रिश के साथ इस बार कौन सी अदाकारा होंगी जो उनके साथ रोमांस करेंगी। जैसा कि हमें पता है प्रियंका अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हैं और प्रीति ने अभी तक कमबैक के बारे में कुछ कहा नहीं है। क्रिश के 4th सीक्वल क्योंकि बहुत टाइम बाद आने वाला है, तो हम मूवी से कुछ बहुत एक्साइटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि किस तरह की नई टेक्नोलॉजीज और बातें ऐड करके मूवी को और मॉडिफाई किया जा सकता है। तो फैंस को उम्मीद है कि इस बार नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर फिर से मूवी के सीक्वल को और भी एंटरटेनिंग बनाया जाएगा और मूवी में फिर से एक ऐसे विलन की एंट्री होगी जिससे क्रिश से लड़ते देखकर हमको खूब मजा आने वाला है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।